कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से आज टीएमसी ने लोकसभा प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। वहीं टीएमसी ने बहरमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है, जो कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, जो भतीजे हैं, उनको टिकट दिया है। दमदम से स्वागत राय को टिकट मिला है। हावड़ा से फुटबॉलर प्रसून बनर्जी, बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, घाटाल से अभिनेता देव, झाड़ग्राम से पद्मश्री कालीपद सोरेन, बीरभूम से शताब्दी रॉय को टिकट दिया गया है। आज तकरीबन 42 नामों का ऐलान किया गया है। इधर ग्वालियर एयरपोर्ट का जो लोकार्पण हुआ, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए, बड़ी घोषणाएं की। 5 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। सीएम ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1625 रुपए से बढ़ाकर 11450 रुपए प्रति महीना करने, अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी 1764 से बढ़ाकर 12446 रुपए प्रति महीना, खेतीहर मजदूर की मजदूरी 1396 से बढ़ाकर 9160 रुपए करने का ऐलान किया। इसके अलावा 50% लागत पर ई स्कूटर खरीदने वाले मजदूरों को 40,000 रुपए की मदद मिलेगी, यह भी बड़ा ऐलान उन्होंने किया। जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11450 करने की घोषणा कर रहे हैं। यहीं से अर्धकुशल की 1764 थी, उसको बढ़ा करके 12446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतीहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं, और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम कर। ग्वालियर के एयर टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस एयर टर्मिनल को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पीएम मोदी ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका विस्तारीकरण होना है सुविधाओं का, डुबना एयरपोर्ट। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के मौसम में पहले की सरकार में बैठे लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं करते थे, आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 2019 में भी हमने शिलान्यास किए थे, वो चुनाव के लिए नहीं किए, उसका लोकार्पण कर चुके हैं। यह मेरी विकास की अनंत यात्रा का अभियान है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से दौड़ रहा हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है। अब 3 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, उज्जैन, गुना और शिवपुरी। ग्वालियर वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। ये ग्वालियर का हवाई अड्डा जिसका सपना आपने और हमने देखा था,
मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मेरी आजी अम्मा के नाम पर यह एयरपोर्ट का नामांकन हुआ, मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया था यह एयरपोर्ट। उसके पहले जीवाजीराव महाराज के द्वारा ग्वालियर का महाराजपुर का अड्डा स्थापित किया गया था। और अगर एक योग्य आजी का योग्य नाती में हूं और योग्य पिता का योग्य पुत्र में हूं, तो मैंने भी ठान लिया कि एक ऐसा एयरपोर्ट ग्वालियर में बनना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश का नहीं देश का शान और मान बढ़ पाए। मेरे भाई और बहनों, एयरपोर्ट ने बनाया विकास का एक नया कीर्तिमान बना है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज घर से शुरू करके पूरे देश के एयरपोर्ट का आज लोकार्पण किया है और ये सुविधाएं बढ़ रही है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वो मजबूत इरादा जिसमें वो सब क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं। और आज के जमाने में बदलते समय में ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व, जिस ढंग से हमारे उड्डयन मंत्रालय काम किया है, ये विश्व कीर्तिमान की तरह बढ़ रहा है मेरी अपनी ओर से। और इसमें खास बात ये भी रखी गई है कि एयरपोर्ट केवल सुविधा का केंद्र नहीं, वो हमारी प्राचीन अतीत गौरवशाली इतिहास को भी सबके सामने ला करके प्रदर्शित करें। और इसलिए अलग अलग प्रकार की पुरानी प्राचीन विरासतों को सहेजने का काम किया है। और ग्वालियर के विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आम लोगों के आते ही शहर के इतिहास से रूबरू होते हैं। सिंधिया राजघराने के इतिहास को यहाँ दीवारों पर उकेरा गया है, ग्वालियर की संस्कृति को दर्शाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया ने ही इस एयरपोर्ट को बनवाया था। उनकी जयंती पर एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। देश के 15 टर्मिनलों में से एक ये भी टर्मिनल है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया। उद्घाटन के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आए और उनको खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस टर्मिनल के बारे में विस्तार से बताया। और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनके बराबर की सुविधाएं यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें झलक जो नज़र आती है वो मध्य प्रदेश की संस्कृति की आती है और ग्वालियर में है तो यहाँ के ग्वालियर के इतिहास की आती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शून्य मंदिर है जो चंदेरी के सिंगल पीस पे बनाया गया। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, ये है। और आप मेरी थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये ग्वालियर का इतिहास है, ये सिंधिया राजघराने का इतिहास है। यहाँ पर जो राजघराने के लोग थे सिंधिया घराने के, उन्होंने जो उसका विजन देखा कि ग्वालियर कब कैसे विकसित हो, वो यहाँ पर उसकी पूरी कहानी को बयान कर रखा है। और उसमें कहानी को बताने के लिए यहाँ पर एक ये ऑडियो सिस्टम भी लगा रखा है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और खासकर ग्वालियर, उसका इतिहास, उसका गौरवशाली इतिहास, वो सब परंपराएं यहाँ नजर आती हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ ग्वालियर से अशरफ काजमी, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।